हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्न पोर्टल, अ यूनिक एजुकेशन प्रोवाइडर। लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर 3, द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे फ्रॉम क्लास फोर्थ। बुक का नाम है रत्नसागर माई पर्ल्स। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। लैंड विच इज़ फ्लैट एंड इन अ लेवल, एक लेवल में है, फ्लैट लैंड है, ऐसे लैंड को हम बोलते हैं प्लेन। इंडिया में इंक्लूड होता है टू टाइप्स ऑफ प्लेन। द प्लेन ऑफ इंडिया इंक्लूड द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स। अब हम इन दोनों टाइप्स ऑफ प्लेन्स के बारे में स्टडी करेंगे विच आर देयर इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स। हम नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ स्टार्ट करेंगे। नॉर्दर्न, द वर्ड नॉर्दर्न इट्सेल्फ टेल्स फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट। नॉर्दर्न जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी जो प्लेन्स नॉर्थ पार्ट में है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टूवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालयस। सो नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर है? हिमालय माउंटेन रेंजेस के साउथ डायरेक्शन में नॉर्दर्न प्लेन्स है। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू आसाम। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू आसाम यानी वो पंजाब से लेकर आसाम तक है। मैनी रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिमालयस फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग इन हिमालयस, जो रिवर हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है उनमें से मोस्ट ऑफ रिवर्स या मैनी रिवर्स जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स से फ्लो होती है। दे फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। ये रिवर अपने साथ वाटर थ्रू आउट द ईयर कैरी करती है यानी 12 मंथ्स रिवर के अंदर वाटर अवेलेबल रहता है और वो कैरी करके फ्लो होती रहती है। दे ऑल्सो ब्रिंग विद देम ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स सैंड एंड सिल्ट। नाउ दीज रिवर्स, जो रिवर फ्लो होती है फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स, दे ऑलवेज कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। सो दे ऑल्सो ब्रिंग ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स, वो अपने साथ ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स के लेकर आते हैं। सैंड होता है, रिवर कैरी करती है उनके साथ रॉक्स सैंड एंड सिल्ट। द फाइन सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स इज कॉल्ड एलुवियम। द फाइन सिल्ट, जो सिल्ट डिपॉजिट करती है रिवर, दैट सिल्ट इज कॉल्ड एलुवियम। इट इज फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। नाउ द सिल्ट, द एलुवियम इज वेरी फर्टाइल एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। वो बहुत ही फर्टाइल है, क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, वेरी गुड है। द एरिया वॉटर्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। नाउ द एरिया वॉटर्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। जो एरिया रिवर के थ्रू जिसमें वाटर आता है या फिर जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती है उनकी वजह से जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड बेसिन। थ्री रिवर्स, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फॉर्म्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो थ्री रिवर्स है, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उन सब ने मिलकर फॉर्म किया है नॉर्दर्न प्लेन्स। लेट्स स्टार्ट विद द सतलुज रिवर बेसिन। नाउ बेसिन एज वी नो, ये रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज की वजह से फॉर्म होता है, उनके डिपॉजिट की वजह से फॉर्म होता है। रिवर सतलुज ओरिजिनेट्स इन टिबेट, बीस इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी।
नाउ जो रिवर सतलुज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम टिबेट, टिबेट से ओरिजिनेट होती है. और जो बीज रिवर है, बीज इज ऑल्सो अ रिवर विच कम टुगेदर टू सतलुज. वो सतलुज के साथ में आती है, ज्वाइन होती है. जहाँ पर वो ज्वाइन होती है दैट एरिया इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी. सो जहाँ पर टू और मोर रिवर जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर उस एरिया को कहा जाता है ट्रिब्यूटरी. पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन. पंजाब और हरियाणा है, दे आर पार्ट ऑफ सतलुज रिवर बेसिन. यानी जो सतलुज रिवर बेसिन है, जो डिपॉजिट ऑफ सतलुज एंड बीस की वजह से जो डिपॉजिट हुआ है, जिसकी वजह से बेसिन फॉर्म हुआ है, सो पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ दैट सतलुज रिवर बेसिन. द भाखड़ा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज generates electricity and provides water for irrigation. The Bhakra Dam, which is built across river Satluj, जो river Satluj के across Bhakra Dam built हुआ है, that is used for generating electricity. ये dam electricity generation के लिए use होता है and also it provides water for irrigation. वो irrigation के लिए भी water provide करता है. नेक्स्ट इज द गंगा रिवर बेसिन. अब हम बेसिन वर्ड के साथ क्लियर है, हम स्टार्ट करेंगे गंगा रिवर बेसिन. द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस. जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय में, वहाँ से रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है. यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज. यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है. द गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ये फ्लो करते हैं फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट्स इंटू टू ब्रांचेस. नाउ वेन इट रीचेज वेस्ट बंगाल, फ्रॉम देयर द रिवर अगेन स्प्लिट इंटू टू ब्रांचेस. वो टू ब्रांचेस में स्प्लिट होती है, डिवाइड होती है. वन ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश एंड इट्स कॉल्ड पद्मा. जहाँ पर ये स्प्लिट होती है रिवर्स, वहाँ से वन ब्रांच एंटर करता है बांग्लादेश के अंदर एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड पद्मा. इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्रा. वो जॉइन करता है ब्रह्मपुत्र रिवर को. द अदर ब्रांच फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इज कॉल्ड हुगली. जो अदर ब्रांच है रिवर का, इट एंटर्स, इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इट इज कॉल्ड हुगली. कमिंग टू द थर्ड रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन टिबेट वेयर इट इज कॉल्ड सैंगपो. जो रिवर ब्रह्मपुत्र है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिबेट, टिबेट से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है और वहाँ पर इस रिवर का नाम है सैंगपो. इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश. ये रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू आसाम. आसाम के थ्रू फ्लो होकर वो बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है. द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर्स फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल. सो ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर दे बोथ फॉर्म लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. दिस इज द सुंदरबन डेल्टा. ये जो डेल्टा है इट इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा विच इज फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर. लाइफ इन द रीजन.
life in the region. Which region? The northern plains. Now, how do people live there? What do they do? Punjab, Haryana, National Capital Territory of Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam lie in the northern plains. So, ये जो हमारे states हैं, ये सारे northern plains में आते हैं. Farming is the main occupation. So, main occupation is farming there in the northern plains. People grow rice, wheat and sugar cane. Punjab. Let's coming state wise. The farmers of Punjab use modern machines such as tractors and harvesters. पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न मशीन यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स. पीपल आर फॉन्ड ऑफ मक्के की रोटी, सरसों का साग एंड लस्सी. दे सेलिब्रेट बैसाखी एंड लोहरी. पीपल वहाँ पर मक्के की रोटी, सरसों का साग और लस्सी के लिए बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड मीन्स That is their favorite cuisine, favorite food है उनका. और they also celebrate Baisakhi and Lohri. उनके festivals है Baisakhi and Lohri. Bhangra and Gidda are popular folk dance. Bhangra and Gidda, they are popular folk dance of Punjab. Many tourists visit the Golden Temple in Amritsar. Now many tourists visit the Golden Temple. Golden Temple is a place, a Gurudwara in Amritsar. Next place is Haryana, next state. Like the farmers of Punjab, the farmers of Haryana also use modern machines for farming. So as Punjab farmers were using modern machines, Haryana farmers also use modern machines for farming. Many people are engaged in cattle rearing and dairy farming. So, many people in Haryana also engaged in cattle rearing and dairy farming. वहाँ पर बहुत सारे लोग उनका other occupation है apart from farming is cattle rearing and dairy farming. Faridabad and Gurgaon have many industries such as Information technology and automobiles. Faridabad और Gurgaon cities जो है हरियाणा में वहाँ पर बहुत सारी industries है many industries of information technology and automobiles. Coming to national capital territory of Delhi. Most people here work in offices. Most people का जो work है that is they are working in offices in Delhi. Many of them have business. बहुत सारे लोगों का तो business है. Delhi has many famous monuments such as the Red Fort, Qutub Minar, India Gate, Humayun's Tomb, Jama Masjid, Lotus Temple and Akshardham Temple. These are the famous monuments of Delhi. Tourists from all over the world come to see these monuments. So, all over the world, पूरे world से Delhi में ये जो places है वहाँ पर tourist attraction बहुत ज़्यादा है. ये जो Delhi के monuments है Qutub Minar, Red Fort, India Gate, Humayun Tomb, Jama Masjid, etc. So tourists are very attracted and from all over the world they come to see these monuments. Next state is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is famous for guavas and mangoes. So the production of guava and mango is famous in Uttar Pradesh. There are many sugar textile, leather and chemical industries. So in Uttar Pradesh we have many sugar textile,
leather and chemical industries. The chikankari embroidery of Lucknow, silk saris of Varanasi and brassware of Moradabad are popular all over the world. So the chikankari work hai, that is chikankari embroidery of Lucknow is very famous, silk sari of Varanasi, brassware of Moradabad, these are all cities in Uttar Pradesh. The Kumbh Mela is held every 12 years in Prayagraj, Agra, Varanasi and Lucknow are cities of tourist attraction. So Kumbh Mela is held in every 12 years in Prayagraj or Agra, Varanasi, Lucknow, these are also cities of tourist attraction. Coming to the next state, Bihar. Bihar is famous for lychees. Bhagalpur is a center of silk weaving. So Bhagalpur is center of silk weaving. Litti chokha and sattu paratha are popular dishes. So litti chokha, sattu paratha are popular dishes of Bihar. Ye wahan ka popular khana hai, litti chokha, sattu paratha. Chhat is an important festival. Most people speak Maithili and Bhojpuri. Bihar ka jo important festival hai, famous festival hai, that is Chhat Puja. And wahan par zyada tar log Maithili and Bhojpuri language bolte hai. Patna, Gaya and Rajgir are places of tourist interest. Patna, Gaya and Rajgir, these are places of tourist interest. Next state is West Bengal. Rice, jute and tea are the main crops grown. So in West Bengal, rice, jute, tea, inka production bahut acha hai. Ye wahan ke main crops hai West Bengal ke. Darjeeling has many tea gardens. So Darjeeling in West Bengal has many tea gardens. Jute mills are located along both banks of the Hooghly River. So Hooghly River ke bank par jute mills located hai. Fishing is an important occupation in the coastal region. People speak Bangla. Now fishing important occupation hai West Bengal ke coastal regions mein aur Bangla jo hai wo unki language hai. Next, Durga Puja is the most popular festival. West Bengal ka popular festival hai Durga Puja. Next state is Assam. Assam is famous for tea and silk. Assam tea aur silk ke liye famous hai. Petroleum and natural gas are found in Digboi. Natural gas, petroleum, ye Digboi mein milte hai in Assam. Many women wear mekhala, chadar and blouse. Most people speak Assamese. Wahan par logo ki jo language hai, jo zyada tar log bolte hai, us language ka naam hai Assamese. They celebrate Bihu. Assam mein Bihu festival celebrate hota hai. Yahan par hum logon ne northern plains jo hai wo complete kar liya. Now we are coming to the coastal plains of India. Hum India ke coastal plains study karenge ab. The coastal plains. The plain land that lies along the coast is the coastal plain. जो प्लेन लैंड है, जो कोस्टल एरिया के पास लाई करता है या फिर होता है, उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. नाउ कोस्टल प्लेन्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स.
These plains stretch from Gujarat to West Bengal. ये जो plains है ये गुजरात से लेकर West Bengal तक है. The two coastal plains meet at Kanyakumari. जो two coastal plains है western coastal plain और eastern coastal plains, they both meet at Kanyakumari. Let's start with the western coastal plains. The western coastal plains lies between the western Ghats and the Arabian Sea. जो हमारा western coastal plain है it lies between बीच में western Ghat और Arabian Sea के बीच में आता है western coastal plain. It stretches from Gujarat to Kerala. ये गुजरात से स्टार्ट होके केरला तक है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट. नाउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अगेन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. द गुजरात कोस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ है वो है गुजरात कोस्ट. द कोंकण कोस्ट इन द मिडल, जो मिडल में है वो है कोंकण कोस्ट. द मालाबार कोस्ट towards the south, जो south की तरफ है that is Malabar coast. Now western coastal plain is again divided into three part, Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. Lagoons or backwaters are found along the Malabar coast. जो Malabar coast है उसमें lagoons और backwaters are found. Coming to the eastern coastal plains, the eastern coastal plain lies between the eastern Ghats and the Bay of Bengal. So, जो हमारे eastern coastal plain है वो eastern Ghat और Bay of Bengal के बीच में है, between. It stretches from West Bengal to Tamil Nadu. It is wider than the western coastal plain. So, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इट इज़ वाइडर, मोर वाइड देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु. इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. नाउ अगेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. द नॉर्दर्न पार्ट नोन एज द नॉर्दर्न सरकार्स, द साउदर्न पार्ट कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट. Northern part is known as Northern Sarkar. So, जो two parts of eastern coastal plains are Northern Sarkars and the Coromandel Coast. Life in the region. Now, we'll see the life in the coastal region. So, coastal region में life कैसी होती है? The two coastal plains cover some part of the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. सो ये जो हमारे स्टेट्स हैं इनके सम पार्ट्स कवर करते हैं बोथ द कोस्टल प्लेन्स. फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस. सो इन दिस रीजन मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग एंड फार्मिंग. राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द कोस्टल प्लेन्स. राइस एंड कोकोनट आर ग्रोन, दे आर द मेन क्रॉप्स. देर आर अ नंबर ऑफ पोर्ट्स that are used to export and import goods. Now there are many ports in this area in the coastal plains which are used for export and importing goods. Gujarat. People grow jawar, bajra, cotton and sugar cane. Many peoples are traders. Gujarat mein jawar, bajra, cotton and sugar cane grow hote hain. And many people in Gujarat are traders, यानि इन जो crops हैं उनकी trading करते हैं. Some are engaged in dairy farming. Some people in Gujarat are engaged in dairy farming. Along the coast, salt is made by drying sea water. जो Gujarat coast है उसके पास जो sea water है उसको dry करके salt बनाया जाता है. So salt is made there. There are many textile mills, oil refineries and diamond cutting centers in Gujarat.
Now, in Gujarat, there are many oil refineries, diamond cutting centers and textile mills. Most people speak Gujarati. So, their mother tongue or their language is Gujarati to speak. Ras Garba is a popular folk dance. Ras Garba is a popular folk dance. Popular folk dance hai Gujarat ka Garba aur Ras Garba. Goa. Goa is famous for cashew nuts and mangoes. Iron ore and manganese deposits are also found here. Now, we know Goa is very famous for cashew nut, cashew, kaju and mangoes ke liye. Now, iron ore and manganese deposits are found in Goa. Vindaloo and Zakati are famous dishes. Now, Vindaloo and Zakati are famous dishes of Goa. Famous khana hai Goa ka Vindaloo and Zakati. Konkani is widely spoken. वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है जो स्पोकन लैंग्वेज है दैट इज़ कोंकणी. द ब्यूटिफुल बीचेस आर अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन. नाउ वी नो वेरी वेल दैट ब्यूटिफुल बीचेस आर गोवाज बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड गोवा हैव ब्यूटिफुल बीच. सेंट जेवियर्स चर्च, फोर्ट अगोडा एंड दूधसागर फॉल्स आर विजिटेड बाय मैनी tourist. Now these are the famous places of Goa. Kerala. Rubber, tea, coffee and spices are the important crops of Kerala apart from rice and coconut. Now rice and coconut are famous in Kerala, but apart from that, rubber, tea, coffee and spices are also important crops of Kerala. Coir making is an important activity. Coir is made in Kerala. Kathakali and Mohinattam are the popular classical dances. So Kathakali and Mohinattam are the popular classical dances of Kerala. People speak Malayalam. People speak Malayalam there. जो केरला है वहाँ की जो स्पोकन लैंग्वेज है दैट इज़ मलयालम. ओनम एंड विशु आर पॉपुलर फेस्टिवल्स. ओनम विशु आर द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ केरला. तमिलनाडु. टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन अलोंग द स्लोप्स ऑफ द नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स के स्लोप पर टी एंड कॉफ़ी ग्रो होते हैं तमिलनाडु में. कांचीपुरम एंड मदुराई आर द मेन सेंटर्स ऑफ सिल्क वीविंग. कांचीपुरम, मदुराई, दीज आर मेन सेंटर्स ऑफ सिल्क वीविंग. सिल्क वीविंग का वर्क होता है कांचीपुरम और मदुराई सिटी में. पीपल आर फॉन्ड ऑफ इडली, डोसा, उपमा एंड सांभर. ये वहाँ की पॉपुलर डिशेज़ है, तमिलनाडु की फूड है इडली, डोसा, उपमा एंड सांभर. भरतनाट्यम इज़ अ पॉपुलर डांस इन तमिलनाडु. Tamil is the main language. That means the main spoken language of Tamil Nadu is Tamil. Pongal is an important festival. So they are famous and important festival is Pongal, which is celebrated in Tamil Nadu. Andhra Pradesh is famous for Kondapalli toys and Kalamkari वर्क. नाउ आंध्र प्रदेश बहुत फेमस है कोंडापल्ली टॉयज और कलमकारी वर्क के लिए. मिका एंड लाइमस्टोन आर फाउंड हियर. मिका एंड लाइमस्टोन्स जो है वो आंध्र प्रदेश में मिलते हैं. कुचिपुड़ी इज़ पॉपुलर डांस. नाउ कुचिपुड़ी इज़ पॉपुलर डांस ऑफ आंध्र प्रदेश. विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट. विशाखापट्टनम इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है विच इज़ देयर इन आंध्र प्रदेश. उड़ीसा इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल, सिल्वर वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. उड़ीसा अपने टेक्सटाइल, सिल्वर वर्क और हैंडीक्राफ्ट आइटम के लिए बहुत ही फेमस है. कोल, आयरन ओर एंड मैगनीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. सो कोल, आयरन ओर एंड मैगनीज आर देयर इन उड़ीसा.
कटक एंड राउरकेला आर इंडस्ट्रियल सिटीज़। सो कटक, राउरकेला ये ओडिशा के इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। ओडिसी इज़ अ पॉपुलर डांस एंड मोस्ट पीपल स्पीक ओडिया। ओडिसी पॉपुलर डांस फॉर्म है ओडिशा का, वहाँ का फोक डांस है और मोस्ट पीपल स्पीक ओडिया, तो वहाँ की जो स्पोकन लैंग्वेज है वो है ओडिया। द रथ यात्रा इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। द चिलाका लेक एंड विथ इट्स बर्ड सेंचुरी अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। सो जो वहाँ पर चिलाका लेक है और वहाँ पर जो बर्ड सेंचुरी है इन चिलाका लेक, इट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट पीपल। क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू आसाम।